भारत की शुद्ध देसी कोवैक्सीन पर अब तक का सबसे बड़ा बवाल हो गया है। जी हां, क्योंकि कांग्रेस ने कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के खून के अंश होने का आरोप लगाया है। दावा यह भी किया गया है कि वैक्सीन में जिस गाय के बछड़े का सीरम इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए 20 दिन से भी कम उम्र के बछड़े की हत्या की जाती है। कोवैक्सीन पर अब तक का सबसे बड़ा सवाल। क्या कोवैक्सीन में मिला है गाय के बछड़े का खून? कोवैक्सीन पर कांग्रेस के आरोपों से मचा बवंडर। बीजेपी बोली, कांग्रेस ने किया है महापाप। क्या है नवजात बछड़े के सीरम वाली वैक्सीन का सच? गाय के बछड़े के खून वाले बयान पर क्या है सरकार का जवाब? कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक क्या कह रही है? कोवैक्सीन पर कांग्रेस का सवाल है और इसी सवाल पर मचा बवाल है। कांग्रेस ने एक आरटीआई के दस्तावेज सोशल मीडिया पर अपलोड करके उनके हवाले से दावा किया है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम है। अब बीजेपी इस पर कांग्रेस को घेर रही है और कह रही है कि वो वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने महापाप किया है। कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम के इस्तेमाल का सच किया है, ये बात कहां से निकली और क्यों निकली? क्या वाकई वैक्सीन में गाय के बछड़े के खून का इस्तेमाल होता है? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसकी पूरी पड़ताल करेंगे और सच क्या है उसकी सच्ची रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं, कोरोना वैक्सीन को लेकर पहले से ही लोगों के मन में हजार तरह के भ्रम हैं। कुछ दिक्कत आता हमारे को, बीमार हो जाओ लगो हम ना लगो बीमारी है हमको, कोरोना करना नहीं है, नहीं टीका भी नहीं है, नहीं तो देख नहीं लगाने नहीं अब लगाएंगे भी नहीं, हम पूरे सही हैं। गाय बुखार चढ़ाया लगते ही तगड़ो वैक्सीन लगते ही बुखार हो जाता। हाँ बुखार चढ़े जी नुकाए तगड़ो टीका या सुमर जान लगते ही। अभी भी 75% लोगों के दिल में ऐसा ही भावना है कि टीके लगवाने से मर जाता है आदमी या बीमार हो जाता है। कलर लिए 10-15 एक चिपकते गया, चिपकने लगा उसके बाद में जो चम्मच चिपकाने लगा चम्मच भी चिपक गए। वैक्सीन के लिए फैले ये भ्रम सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। सरकार लोगों को समझाते समझाते थक रही है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाया है उसका खौफ जेहन से नहीं निकलता। अस्पतालों में बेड के लिए भटकते लोग, सांसों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग, कोरोना से टकराने का एकमात्र इलाज वैक्सीन ही है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। और जब कोरोना को हराने के लिए 21 जून से देश में फ्री वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो रहा है उससे पहले एक और भ्रम पैदा हो गया है, वैक्सीन वेज या नॉन वेज। जी हाँ, कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने भारत बायोटेक की शुद्ध देसी वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया है और इस दावे पर अब विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता गौरव पांधी ने दावा किया है कि आरटीआई से मिली जानकारी में कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम है। गौरव पांधी ने लिखा कि सरकार को लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। पांधी का दावा है कि मोदी सरकार ने आरटीआई में माना है कि कोवैक्सीन में गाय के नवजात बछड़े का सीरम है। पांधी ने इसे आपराधिक करार दिया और कहा कि ये जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी ने इस पर केंद्र सरकार और भारत बायोटेक से सफाई मांगी। Now there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the government of India that it consists cow calf serums.
which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. Keeping all our faiths and beliefs aside, we should go for the vaccines. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people. अब इसी पर सियासी बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि सरकार सच बताए और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाकर महामारी के बीच सबसे बड़ा महापाप किया है। आरटीआई में जो तथ्य सामने आए हैं उसका उत्तर सरकार को और भारत बायोटेक को देना चाहिए, उसके बाद इस पर कोई चर्चा हो सकती है। ये सारे विषय बड़े स्पष्ट रूप से टेक्निकली हमारे देश के बड़े वैज्ञानिकों ने समझाया और समय समय से समझाया, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की उद्दंडता की है, धृष्टता की है, महापाप किया है, द कांग्रेस पार्टी हैज सिंड टुडे, ये पाप से और सिन से कम नहीं। पांधी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज शेयर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोवैक्सीन को बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी उम्र 20 दिन से भी कम होती है। विवाद बढ़ा तो भारत बायोटेक की तरफ से इस पर सफाई दी गई। भारत बायोटेक का कहना है कि वैक्सीन के निर्माण में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन SARS-CoV-2 वायरस की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोवैक्सीन पूरी तरह से शुद्ध है। कोवैक्सीन पर बढ़ते विवाद को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को भी सफाई देनी पड़ी और स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया को समझाया, लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों से कोवैक्सीन पर सियासी युद्ध भी छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।